मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूँ सैयद अली और हमारे साथ मौजूद हैं मिनहाज यूसुफ साहब और हम आज बात करेंगे पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ नाकिस भी नहीं बल्कि थर्ड क्लास भी नहीं बल्कि वैसे ही कारकर्दगी जैसी पाकिस्तान उमूमन दिखाती है। चाय वाले भाई सर भाई चाय क्यों पी रहे हो ढाबे पे जाओ यहाँ क्लब में कौन चाय पीता है। अरे यार देख भाई ढाबे कब से आए अभी आए कुछ 20-25 साल हुए जब से अफगान वॉर हुई और हमारे पठान भाई ऊपर से इधर आया है उसके बाद से ढाबों का रुझान बढ़ा है। उससे पहले तो क्लब्स ही थे ना वहीं चाय पीता था कॉफ़ी हाउस होते थे वहाँ एक तरीका होता था एक कल्चर होता था जब आप वहाँ चाय पीने जाते थे तो जो बंदा है आपको पहचानता था आपके पास आता था जब आप उससे बात करते तो वो कर्टियस होता कहता सोहेब भाई अब आप चाय जो है शक्कर कम कर दो और ये हो गया वो हो गया इस तरह मजाक करता फिर हाँ। अगली बार आप जाते तो कहते मेरे लिए स्पेशल चाय लाओ क्या आपकी वाली वो लेके आता इस तरह कितना अच्छा है कॉफ़ी हाउस होते थे। हमने एक प्रोग्राम किया था नाजाबाद नंबर 1 में जख्मी चौक वहाँ एक अलहसन कैफ़े हुआ करता था जहाँ बहुत मशहूर चाय होती थी वहाँ की ईरानी चाय समथिंग लाइक दैट आज तक लोगों को वो याद है तो हाँ, किस तरह 60s तक तो यहाँ सारे कॉफी हाउस चाय के इसी तरह थे ना 70s तक थे हाँ, 70s उसके बाद अब तो कम हो गया भी खैरबाद है हमारा टी हाउस जी ऐसे ईरानी बहुत सारे थे उधर जाके आपको एक अच्छी फीलिंग आती थी कि यार ये हमें जरा रॉयल ट्रीटमेंट दे रहा है बंदा और फिर वो बंदा जो उसके क्लाइंट बढ़ जाते थे ये होता था। ढाबे की चाय समझो आजकल जैसे पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी है वो कैसे देखो ढाबे पे आप जाओगे ढाबे पे आप एक बच्चे को बुलाओगे जाओ कम शक्कर की एक चाय लेके आओ और एक कट लेके आओ कह देंगे वो जाएगा वो जो उसके दिमाग में होगा वो वही करेगा और ला के आपको चाय दे देगा। आप कहोगे मैंने कम शक्कर कहा था तो वो कहता है हम वो ले जा गए दोबारा जाओ वो दोबारा जाएगा फिर आपकी पसंद की चाय लेके आएगा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अगली बार एक तो आप उस ढाबे जाओगे नहीं और अगर जाओगे तो ये होगा सीन के वो लड़का फिर वही भंड मारेगा हाँ रिपीट फिर वही हो जाएगा ठीक है। तो हमारी जो क्रिकेट टीम है ना इसके जो बच्चे हैं ना इनका दिमाग जो है ना ये वो चाय वाले बच्चों जैसा ही है बाहर का कोच लग रहा है बाहर का कोच आके सर खपा दे दिमाग खराब कर दे कि ये नहीं करो ये नहीं करो करेंगे ये वही जो इनके दिमाग में। भाई देखो मैच शुरू हुआ पाकिस्तान टॉस जीता बॉलिंग की और इंडियन खिलाड़ियों को परेशान किया अब बारिश हो चुकी थी ओवरकास्ट कंडीशन थी और बैटिंग जो थी वो साजगार नहीं थी तो इंडिया जैसी बड़ी टीम उससे नहीं खेला गया हम हो गए चौड़े में हमने कहा कि देखा क्या आप बोलेंगे हमारी इंडिया खेल नहीं पा रहा और ये नहीं हो पा रहा वो नहीं हो पा रहा। एक तो हमने कैचेस कितने गिराए हाँ गिराए आमिर की बॉलिंग पे आमिर वाले उसमें तो ऋषभ पंत को तो ऐसे चांस दे रहे थे जैसे उसको वो सेहतियाब हो के आया तो जो है ना वो दे रहे हो कि यार गेट वेल सून ऋषभ पंत के कैच देखे थे जो छूटे हैं एक उस्मान खान ने छोड़ा था ठीक है एक वो भी कैच था जो मैं आपको एक कह भी रहा था कि यार थोड़ा मुश्किल था लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वालों के हिसाब से कैच था हाँ। जो मैंने आपको कहा था मतलब ऋषभ पंत के ही 3 कैच छूटे हैं तकरीबन और फील्डिंग भी वही लगान वाली कर रहे थे वो हाँ वही के वो इधर से उधर मारी उधर मारी उधर मारी जो यूएसए वाले मैच में आमिर के आखिरी ओवर में हुआ था देखा था ये आमिर को तुम करते हैं मेरा ख्याल है आमिर ही के कैचेस छूटे हैं आमिर ही की बॉल पे मिसफील्ड हो रही है ठीक है मतलब शाहीन शाह अफरीदी का सही चल रहा है और वो हारिस रऊफ का भी सही चल रहा है। अब हारिस रऊफ छोड़ दो यार अब किस बात की उसको भरम है भाई किस बात को उसने वर्ल्ड कप जिताया है यही तो कह रहा हूँ कि हारिस रऊफ और 50 ओवर के वर्ल्ड कप से लेके अभी तक आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें कि वो कर क्या रहा है नहीं उसको शायद समझ नहीं है उसको अकल नहीं है कि वो करता क्या है तो वो क्या पाकिस्तानी टीम को लाहौर कैलेंडर समझ रहा है एग्जैक्टली इससे मतलब इस पर रिलाय नहीं कर सकता ये वही चाय वाली मेंटेलिटी के गैरी कर्स्टन मर जाएगा वो भी मर जाएगा दिल में अंकरीब गैरी कर्स्टन भी बॉब वुल्मर की तरह मर जाएगा शर्म से मर जाएगा बॉब वुल्मर भी शर्म से ही मर गया था बॉब वुल्मर के सामने ऑप्शन था शर्म से मरने का वो भूल गए उनको शर्म से समझ दिया उन्होंने चलो मर जाएंगे दबा करो लेकिन जो ये गैरी कर्स्टन ये मरेगा ये और मैं इसको मशवरा दे रहा हूँ ना ये सुसाइड बॉम्ब बांध किया है ड्रेसिंग रूम में बैठे और डोज करके गोल दे सारे मर जाए इसने मरना तो वैसे भी है मरना तो इसने वैसे ही है सारे मर ही मारे सारे मर जाए क्योंकि मुझे लगता है शेन वॉटसन ने भी इसीलिए मना कर दिया हुआ है कि भाई मेरा भी कोचिंग कैरियर प्रॉपर शुरू हुआ नहीं है इससे पहले ही ये लोग बर्बाद कर देंगे
क्योंकि उसका यही हाल हो जाना था। अगर PSL ना होता ना आपका, तो आपके शैडी मैडी सारे जो नहीं है ये हसन अली, शादाब खान, खुशदिल शाह, साहिब अयूब, उस्मान खान बेचारा, हाँ ये सारे जो है ना ये ऐसी चाय बेच रहे थे, नॉट मोर देन दैट, सॉरी टू से, इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। मतलब हमें चाहिए कि PSL का बॉयकॉट करें, PSL का बॉयकॉट करें। PSL यार इस कौम के पास करने को कुछ है नहीं, सिनेमा ये जा नहीं सकते, घर से बाहर डकैती के चक्कर में निकलते नहीं है, ठीक है, अच्छे ड्रामे आपकी कोई क्वालिटी आ नहीं रही कि आप सड़कें सुनसान हो जाए, तो बेचारे PSL में अपना दिल बहला देते हैं। कोई खान साहब के बकौल रेलू कट्टे आए थे उसमें, हमेशा पाकिस्तान को जाता ही नहीं खेलने से, ये रेलू कट्टों में आप हीरो हो जाते हो, फिर हमारा खिलाड़ी टॉप पे आ जाता है, फिर वो टीम में आ जाता है। उस्मान खान की जो इंडिया के अगेंस्ट बैटिंग हुई उसको देख के तो अंदाजा हुआ कि यार मैं भी खेल सकता हूँ, और इससे अच्छा तो वो UAE में खेल लेते। अरे वो तो बेचारे कभी कभी किस्मत खराब होती है ना, वही हुआ। बचपन में पढ़ते आते थे कि गॉड हेल्प दोस्त हु हेल्प देमसेल्व्स, अल्लाह ताला बेवकूफों का साथ नहीं देता। कल अल्लाह ताला लग रहा था पाकिस्तान को मैच जिताना चाह रहे, ले ये तेरा कैच ड्रॉप, वो तेरा कैच ड्रॉप, हाँ ये भी हुआ है, रन आउट भी मिस हुआ है, ये 120 से भी कम पे इंडियन टीम आउट, इतनी बड़ी बैटिंग लाइन, बैट बारिश भी हो गई, लेकिन हमारे खिलाड़ी भाई चाय वाली टेक्निक करेंगे, वही जो दिमाग में होगा। हाँ जैसे आज वो अच्छी चाय नहीं लेकर आया, कल भी होगा, गालियां खा के ही अच्छी चाय लाएंगे। नहीं गालियां खा के भी खराब चाय लाएगा। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट मैच में भी नहीं। यार दुनिया के किस मुल्क में कौन सी टीम, यार पापुआ न्यू गिनी भी ले लो, वो भी रन बॉल का जो है उससे ऊपर जा रही होती है। हमारे रिजवान को अदाकारी से ही फुर्सत नहीं है, हाथ पे बॉल लग गई, यूं किए दो दफा यूं किया उन्होंने। लेकिन भाई अभी पिछले दिनों साहिब अयूब को भी ट्राई किया था, वो भी तो कुछ खास कर नहीं सके, मजबूरी में फिर उसी पुराने कॉम्बिनेशन पे आना पड़ा। यार पुराना कॉम्बिनेशन इसलिए आ जाता है कि मुझे क्यों लगता है पता नहीं कि ये साहिब को इन लोगों ने अलग से पंप किया, यूं कर अपना मत खेलिए, वो कंफ्यूज हो आउट हो गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके रिजवान धमकी दे रहे हैं जब तुम चलती हुई चीज़ तोड़ोगे तो ऐसा तो होगा, मतलब हफीज़ को कर रहे थे, वो हफीज़ पुराने टाइप के खिलाड़ियों में से, वो आगे इन सियासतदानों में बैठ के खेल रहे थे। बाबर आजम को लग रहा था बैटिंग ही समझ नहीं आ रही। बाबर आजम तो USA के खिलाफ भी इसी स्ट्राइक रेट से खेल लेते, इतनी कमज़ोर बॉलिंग के खिलाफ भी उन्होंने इसी स्ट्राइक रेट, वही जैसे इश्तहार में नहीं है कि उनके पास रन्स कम है, डेटा बहुत है। जी हाँ बिल्कुल। शोएब भाई तो फिर ज़रा कुछ उनकी बात भी कर लें, शादाब खान की, कि वो बॉलिंग तो उन्होंने कराई नहीं और बैटिंग में भी वो कुछ नहीं कर सके। अच्छा तो ये फिर वो टीम में किस लिए है? शादाब ने जब बॉलिंग नहीं कराई तो वो बैटिंग में पांचवें नंबर पे आते ना जी, तो उस वक्त इमाद को क्यों भेज दिया जिसका काम ही नहीं था उस वक्त? शादाब को की जगह आपने ऊपर इमाद को भेजा, यानी कि आप शादाब को बचा रहे और शराब को बचा ही रहता ये लोग कि अबे छोड़ना शायद इमाद कर ले, कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं किसी के अंदर। ये जो इनकी सारी भरमबाजी थी ना इश्तहारों में और इधर उधर जो आई है वो सारी, तो शोएब भाई ये बात तो फिर चाचा के ऊपर भी लागू होती है, चाचा ने भी फकत एक ही ओवर कराया था और बैटिंग के लिए वो तो सबसे ही आखिर में आए हैं ऑलराउंडर्स में। चाचा जो थे कल, चाचा बहुत तमीज से खेल रहे थे, उनका अंदाज वही था कि इमाद पहले आप छक्का मारिए, और इमाद सिंगल ले गया था, नहीं भाई आप मारिए, लगी ही नहीं छक्के, अरे भाई इधर उधर हिलो, इम्प्रोवाइज एक शॉट इम्प्रोवाइज भाई, लेकिन इमाद और चाचा दोनों में से कोई भी लखनऊ वाला नहीं है जो कि पहले आप करता रहे, पता नहीं क्यों कर रहे थे फिर ये। हाँ वो इंडिया वालों को याद दिला रहे थे कि शायद आपका कोई लखनऊ वाला हो, पहले आप में लगे में लगी नहीं रहा शॉट। तो यार रन रेट नीचे से ऊपर हो गया, ये जब तक के टीम के अंदर ये भांजे भतीजे मामे बेटे दामाद जब तक ये नहीं होंगे ना, तब जाके ये टीम सही होगी, ये टीम सही नहीं होने वाली। तो भाई कल वसीम भाई का भी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि जब टीम के दो मेन प्लेयर्स जो है वो आपस में टॉकिंग टर्म्स पे ना हो, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन जाहिर है सबको पता है कि वो शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की बात कर रहे हैं। ये तो भाई 2003 के वर्ल्ड कप वाला हो गया जब वसीम अकरम और वकार यूनुस टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे और बीच में इंतजाम जो था वो इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज इधर कर रहा होता था।
लेकिन आज वो इसी चीज़ पे तनकीद भी कर रहे हैं। वसीम भाई कर सकते हैं तनकीद, वसीम भाई ने तो बाबर आजम को भी लताड़ा कल कि टीम खड़ी हुई है उनका टोपी पहन के खड़े हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला खिलाड़ियों के साथ ये है कि वो रिटायर हो तो जाते हैं ऑफिशियली, फिर चिपके रहते हैं टीम के साथ। वहाँ पर आज पता नहीं क्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बन गए, क्वालिफिकेशन कोई थी नहीं। तो अजहर महमूद भी टीम के साथ हैं। और अजहर महमूद तो भाई मैं तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि 2007 के वर्ल्ड कप में भी थे ये। जी बिल्कुल। और कितने अरसे बाद वापस आए थे। जी हाँ बिल्कुल, 2007 के वर्ल्ड कप में भी ये थे, वो भी चिपका हुआ है। भाई 1999 की टीम जो है अजहर महमूद टीम के साथ चिपके हुए, ठीक है। अब्दुल रजाक टीम के साथ है, इंजमामुल्लाह अभी अभी रिसेंटली जान छूटी है इनसे, वो भी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद। सकलेन मुश्ताक दामाद, शाहिद आफरीदी दामाद, वसीम वकार कमेंट्री, एक सईद भाई और मजादुल्ला वास्ती नहीं है, वरना सारे ही कहीं ना कहीं से मौजूद है। मोइन खान का बेटा, बिल्कुल। क्या चल रहा है यार ये। और यूसुफ भी कभी बैटिंग कंसल्टेंट आ जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ रोल उनका होता है। अभी भी शायद सिलेक्शन कमेटी के भी हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कल का मैच यार समझ नहीं आया, और हम लोग की तो जो मजबूरी है कि हमें देखना पड़ता है क्योंकि आपने लिखना भी आ गया या बोलना भी है। लेकिन लोगों को मैं फिर यही कहूँगा कि भाइयों जितना हो सके अगले दिन की हाइलाइट्स पे गुजारा किया करो, क्योंकि पता तो चली जाएगा कि हुआ क्या है। और दुनिया इतनी तेज़ हो गई है किसी को ये फिक्र नहीं है कि हमने लाइव देखा था कि रिकॉर्डेड। तो पाकिस्तान टीम की जान छोड़ दें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तबीयत ठीक रहे, आपका मूड अच्छा रहे और आप हर काम जो है वो अच्छी तरह अंजाम दें।